अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अदर वीडियो। तो यार हम खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। फर्स्ट टेस्ट का थर्ड डे है, दो मैचों की टेस्ट सीरीज है। वेस्ट इंडीज एक अच्छे 693 स्कोर किए हैं इन्होंने दो दिनों में, और ये डबल सेंचुरी हमें देखने को मिली है। एक दो तीन, तीन सेंचुरियाँ एक डबल सेंचुरी। कैमर रोच ने सेंचुरी मारी है और जी मोती ये बैटिंग कर रहे हैं। तो चलें पहला बॉल डालेंगे, उसके बाद हम आपको पूरे के पूरे 20 ओवरों के बाद मिलेंगे। हमारे फास्ट बॉलरों ने जद्दोजहद करी, हमारे स्पिनरों ने बड़ी कोशिश करी, किसी को विकेट नहीं मिली, एक रन आउट हुआ है। चलें अब हम आपको मिलते हैं पूरे 20 ओवरों के बाद। गाइस यार फाइनली 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 हमने आउट कर दिया है। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम 169 ऑलमोस्ट 170 ओवर्स के बाद, एक दो तीन हंड्रेड एक डबल सेंचुरी के बाद हमने फाइनली आउट कर दिया है वेस्ट इंडीज को। और अब जो हमारी होने वाली है ना, वो हालत ख़राब है। अब होगी हमारी हालत फुल ऑन ख़राब, क्योंकि जो भाई साहब हमें स्कोर करना है ना, इसे करने में हमारी फुल लगने वाले हैं, यानी ना टेंशन होने वाली है फुल। और उसके बाद हमें ये पहले ट्रायल उतारना है, और उसके बाद हमें जो है इन्हें टारगेट भी देना है, यानी 200 स्कोर या 300 स्कोर से पहले विकेट देने का सोचना भी मैं। पहला सेशन तो अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि 5-6 ओवर है। अब हम आपको मिलेंगे, पता नहीं जब ये सेशन ख़त्म होगा ना, ये सेशन अब हम खेलेंगे, जितना भी अब रह गया ना ये सेशन हमें खेलना होगा, 10 ओवर या 11 ओवर जितने भी हैं ये सेशन हमें निकालना है, अगले सेशन भी हम खेलेंगे। तो फुल ऑन जो है ना, अब हमें रन नहीं करने हैं फिलहाल, तो अभी थोड़ा सेट होना है। कोई कम से कम हमें ना 200 या 250 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करनी है, ताकि जो फिर नीचे आएंगे ना बैट्समैन उन्हें भी ज़्यादा स्कोर करना है। और आज यानी स्कोर करना ना इजी नहीं होने वाला, ये तुम लोग मेरी बात को याद कर लो। और आज का जो टेस्ट मैच है ना, ये बॉल लंबा जाने वाला है, ये ड्रॉ करने के लिए जाएंगे या हम विन के लिए जाएंगे। अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा खेलेंगे, ट्राई करेंगे कि जीतें और स्कोर को एक अच्छे स्कोर तक लेके जाए। और चौका मारा, यानी पर आवर 5-6-5-2-1 ऐसे करना है, ठीक है। मिलते हैं आपको दो ओवरों के बाद, ठीक है ना, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा लंबा सेशन खेलना होगा। यार बंद हो चुका है, हमारी पहली विकेट गिर चुकी है, लेकिन उसके बाद हमने टीम को थोड़ा बहुत संभाल भी लिया है। और ये प्रैंक ही लग रहा है मेरे को, इतना ज़्यादा स्कोर जो है, क्योंकि होने वाला तो है नहीं ये, बिकॉज पहली विकेट 25 पे हमने गिरा दी है। अब या तो बैस बॉल खेल लें हम लोग तो अच्छा है, उसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए, और ऐसा बैस बॉल खेलना है हमने कि जिसमें हमारी विकेट भी सेव रहे और स्कोर भी ऐसा लगे कि वेस्ट इंडीज वाली टीम जो है। ओ, 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 इतनी डिफ़िकल्ट बॉल डाल दी थी इसने, मैं इस पर उठा देता ना, उठा देता कसम से, मैं इस वक्त रो रहा होता है गाइस आउट हो गए यार, ये बोल रहा होता। लेकिन हमें बैस बॉल खेलना है तो ऐसे खेलना है जिसमें हमारी विकेट भी ना गिरे और स्कोर भी धड़ाधड़ हो, और बस जो भी हो अच्छा हो, तो इतना अच्छा हो कि हम लोग जो हैं कम से कम 200-300 पे या 400 पे हमारी विकेट गिरे। खेलेंगे तो बैस बॉल, नहीं तो आउट नहीं होंगे। और शॉट 4 रन, काफ़ी ये लो ये रिस्की शॉट था, इस पर टॉप एंड लग सकती थी, इस पर हमारा कैच आउट हो सकता था, बट आपके भाई ने अटेम्प्ट किया और चौका भी लगाया। अजहर अली को ट्राई करना है बंदा, क्योंकि अब रियल में तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लास्ट टेस्ट मैच खेला है इन्होंने, ये जिस दिन क्या नाम लेते हैं ख़त्म हुआ है ना फर्स्ट टेस्ट, उसी दिन ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।
जो है रियल में तो बंदा रिटायर्ड हो गया है, हमारी गेम में भी आज रिटायर्ड हो जाएगा। आज के बाद अजहर अली हमारी गेम में नहीं खेलेंगे बिकॉज अजहर अली रियल में भी रिटायर्ड हो चुके हैं और अब हम अजहर अली को नेक्स्ट मैच से नहीं खिलाएंगे, या फिर अगर खिलाएंगे भी तो वो देखेंगे, उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा, या हमारा कोई प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा या कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, देन अजहर अली इज़ एबल टू प्ले द टेस्ट मैच इन आवर गेम प्ले वीडियो। अगला बॉल और उठा देंगे अब्दुल्ला शफीक, दो रन आएंगे इस बॉल पे इजीली, तीसरे के लिए भी हम जाएंगे और चौथे के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे, चार रन आ गए आराम से, दुनिया का सबसे छोटा चौका मार दिया हमने, वाह जी वाह सुभान अल्लाह। चलो भाई साहब अगला ओवर, ओ अगला बॉल जो है बैटिंग पर हैं अब्दुल्ला शफीक और शॉट मारेंगे उठा के, छक्का जाएगा इस बॉल पे, अब्दुल्ला शफीक बेस्ट बॉल के लिए रेडी होते हुए। भाई साहब बंदा कर रहा शुरू से मैच में टुकर टुक टुक टुक, जो बॉल आई रोक दी आराम से, जो बॉल आई रोक दी आराम से, जो बॉल आई रोक दी आराम से, और अब जो बॉल आ रही है उसको उठा के मार रहे हैं, ये गैप में मार रहे हैं, इसको कहते हैं बेस्ट बॉल के लिए रेडी होना। आज हमने बन जाना है भाई साहब एक समझ लो फिर आप लोग, आज हम लोगों ने जो है ना चौके छक्कों की बारिश कर देनी है, अजहर अली ने और अब्दुल्ला शफीक ने एक और चौका मार दिया, आज खेलेंगे बेस्ट बॉल और आउट नहीं होंगे और लंबा जाएंगे मैच के लिए, लंबी इनिंग्स खेलेंगे लंबी और रन्स के लिए एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बॉल मारने वाली नहीं है उसको मारेंगे नहीं और जो मारने वाली है उसको छोड़ेंगे नहीं, इस बात को भी ध्यान रख रहे हैं। चलो जी लास्ट बॉल खेलते हैं फिर उसके बाद आपको फिर मिलेंगे हम दो चार ओवरों के बाद, इस पे उठाते हैं, मुझे उठाने वाली लग तो नहीं रही, और जी हाँ बेस्ट बॉल गया भाड़ में, विकेट आ गई है भाई यार, टुक टुक ही कर लो यार छोड़ो बस, मिलते हैं आपको यार सेशन के एंड वाले ओवरों में, ऐसे ही मिलेंगे आपको बाद में। यार अजहर अली अपने लास्ट टेस्ट मैच में 20 कितने पे आउट हुए, 22 पे आउट होते हुए, और अब जो है ना भाई साहब बेस बॉल टेस्ट बॉल मैच बॉल सब गया भाड़ में, अब खेलो सीधी सीधी बॉल को सीधा सीधा शॉट और बस डिफेंड करो, और होना कुछ भी नहीं है, लंबा जाना है बस, तो अगर कर रहे हैं मिलेंगे यार आपको बस थोड़ी देर बाद। गाइस एक और विकेट गिर गई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक और मैंने सिंपल सी कवर ड्राइव के लिए सीधी सीधी बॉल को और जो कैच पकड़ लिया, क्या नहीं यार फिर मिलूंगा बाद में आपको। गाइस यार सेशन एंड हो गया, बड़ा मुश्किल से हमने निकाल लिया, तो अब मिलेंगे आपको अगला जब सेशन शुरू होगा ना उसके 20 आवर जब गुजरेंगे तब हम आपको मिलेंगे। गाइस यार ये सीन हो गया है कमाल, विकेट पे स्टैंड अपने ने कर लिया ना शादाब खान और बाबर आजम ने मिल के, इससे यानी ये हो गया सीन कि अब हम लोग जो है ना थोड़ा लंबा जा सकते हैं, यानी रन्स को और बूस्ट अप कर सकते हैं, जल्दी आउट नहीं होंगे यानी, लेकिन अभी भी एकदम से बैटिंग में कोलैप्स होने लग गए तो ये हालत होगी। देखो पहली विकेट गिरी 12 पे, दूसरी गिरी 56 पे, फिर एक स्कोर पे एक में गिरी, तीसरी गिरी 57 पे, चौथी गिरी 3 स्कोर के फासले से 60 पे, फिर 10 पे 10 स्कोर और करने के बाद 2 विकेटें गिर गई, यानी बैटिंग में कोलैप्स हो जाते हैं हमारे रियल लाइफ में भी और ये हमारे गेम में भी, तो इन कोलैप्स से बच के अब थोड़ी पार्टनरशिप क्रिएट हुई है, अब थोड़ा लंबा जाएंगे फजूल की रनिंग नहीं करेंगे, सीधा खेलेंगे अच्छा खेलेंगे और लंबा जाएंगे, इनिंग्स को बिल्डअप करेंगे और ट्राई करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की, लंबा स्कोर करने की। तो ये भी अब मैंने गलत शॉट मारी, 4 रन, ये मेरे अनजाने में लगी है मेरे से, ये मैं जानबूझ के नहीं लगाई,
बट अनजाने में लगी है, इस पे चौका आ गया। ये तो बहुत अच्छी थी, ये तो इनसाइड एज लग के बोल हो सकता था। खेलना है अच्छे तरीके से और लंबा खेलना है। ये अब ये मैं शॉट जानबूझ के मारूंगा, इस पे आउट हुआ तो मेरी गलती है। रिस्क नहीं लेना है और लंबा, बस एक चीज़ याद रखनी है, रिस्क नहीं करना, रिस्क लेना ही नहीं है और स्कोर करना है फुल ऑन। अच्छा बोल। और कैमर रोच अच्छे बोलर हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी। जो अच्छा है ना उसको पीटना है और जो बुरा है उसको भी पीटना है, और ये थोड़ा देख के बैटिंग करनी है। ठीक है, मिलेंगे आपको दो ओवरों के बाद। हर्षद आपको अनआउट हो गए, मुझे लगा। और वो जो जहाँ पे पता लगता है ना कि बॉल स्पिन होनी है नहीं होनी है, वहाँ था कि स्पिन होगी बॉल, और बॉल स्पिन ही नहीं हुई। मेरा दिल कर रहा है कुछ भी नहीं यार, मेरा जो दिल कर रहा था ना फर्स्ट इनिंग में भी, वो दिल अगर अब करने लग गया ना तो भाई मैं कहीं का नहीं रहूँगा, हार जाऊँगा, हार उड़ाने वाला दिल जो था मेरा, वो मेरा दिल अभी भी कह रहा है मैं उड़ा दिया वो। लेकिन मुझे ये पता है जब तक ये हमारे किंग बाबर आजम खड़े हैं ना तब तक स्कोर नहीं रुकने वाला। लेकिन दूसरी साइड से बैटिंग में कोलैप्स ना हो और सब अच्छी बैटिंग करें, यहाँ पर स्ट्राइक बाबर आजम को देते रहे, बस इतना काम करना है दूसरे बैट्समैन को। ये दो 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 ईजी डाइव, दो रन इजी पीसी। हमें अच्छा स्कोर अगर करना है ना एटलीस्ट हमें ये टेस्ट मैच को ड्रॉ के लिए ले जाना है। दो दिन बैटिंग करनी है, आराम से करनी है, भैया कुछ भी हो जाए बैटिंग हमने ना दो दिन करनी है। बेशक कुछ भी हो जाए ना हमने आउट होना ही नहीं। और शॉट दो रन, एक रन आ गया। ओ ये देखो, अब मैं इस पे हाथ लगाने लगा था रन वाले पे, मैं नहीं लगा। चलो अब मिलते हैं आपको बाद। Here comes a 50 from the king Babar Azam. भाई साहब कमाल, आग लगा दी, आग लगा दी, आग 200 भी बंदा कर सकता है अगर टिक जाए तो। मुझे ये पता है हम ये टेस्ट मैच जीत भी जाएंगे अगर ये बंदा टिक गया। ये एक दिन टिक गया, आज या आज का दिन और कल का आधा दिन, ये बंदा टिक गया ना डेढ़ दिन टिक गया ये, तो स्कोर इतना होगा कि हम टेस्ट मैच जीतने की नौबत पे आएंगे, ये ड्रॉ कर देंगे। चलो भाई, मियां भाई उठा दिया है बाबर आजम छक्का। ओपी इन द चैट, ओपी और व्हाट, मिलते हैं भाई बाद में थोड़ी देर बाद। गाइस यार माशाल्लाह सब्सक्राइब, ओ सुभान अल्लाह, जो बैटिंग हो रही है ना बाबर आजम और ये मोहम्मद इमरान खान सीनियर के दरमियान, बाबर आजम खाली रन करे जा रहे हैं, इमरान खान सीनियर रोटेट करे जा रहे हैं ऐसे, यानी ये वाहिद ओवर है जिसमें इमरान खान सीनियर को पहला बॉल खेलने को मिल रहा है, नहीं तो उन्हें आखिरी बॉल मिलता है या फिर सेकंड लास्ट बॉल मिल रहा है। अबे यार जबरदस्ती ये लोग मुझे पुश कर रहे हैं कि अबील भाग जा, लेकिन मैं भी यार बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबर आजम बेचारा खेलता थोड़ा, रोटेट करता थोड़े रन वन बना लेता, ऐसे तो अब बड़ा मुश्किल होगा अब रोटेट करना भी। डाइव मार के अब ऐसे कुछ भी हो जाए मैं भागूंगा ही नहीं। जी हाँ, तो हमने सिंगल ले लिया है फाइनली। आई थिंक ये लास्ट ओवर है हमारे फर्स्ट सेकंड सेशन का, और हमारे बाबर आजम जो है वो बैटिंग कर रहे हैं आराम आराम से, दो 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 चार चार रन आ रहे हैं हर ओवर में, 8 या 9 रन आ रहे हैं इजीली। 55 के पार्टनरशिप होगी है जिसके अंदर सिर्फ तीन रन जो है मोहम्मद इमरान खान सीनियर की है। बॉलिंग बाबर आजम ने फाइनली 100 बॉल्स फेस कर ली हैं।
वेरी डेंजरस। ओ एक रन गलत हो गया। ओ फाइन एक रन आ गया है, आखिरी बॉल खेलने को मिलेगी इमरान खान सीनियर को, और वही अब टिप करेंगे एज यूजुअल। भाई साहब बंदे को रन करने दो, ओ अरे बाबर आजम को सेट होने दो। आई थिंक ये सेशन का एंड है। जी हाँ, दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। पाकिस्तान ने कर लिया, थोड़ा बहुत संभाल लिया, यानी इज्जत बच सकती है। मिलेंगे 20 ओवरों के बाद जी। द सेंटर इज दैट वी हैव लॉस्ट द टेस्ट मैच, नहीं हाँ यस वी हैव लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट। और जो बेइज्जती के साथ हम आ रहे हैं, बाबर आजम की सेंचुरी भी नहीं हो पाई। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और एक दिन के बाद, यानी जैसे आज ये वीडियो डलेगी ना, तो कल अगला टेस्ट आएगा, और आई होप कि वो जो है हम अच्छे तरीके से खेलें, क्योंकि इसमें हमने जो उनके बराबर भी दो इनिंग में भी मिला के उनके बराबर स्कोर नहीं किया। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।